आज हम अलसी के बीज के बारे में जानने वाले हैं, जिसे फ्लैक्स सीड, लिनसीड और कई और नामों से जाना जाता है। अलसी के बीज कई हजार साल पहले मिडिल ईस्ट में ओरिजिनेट हुए थे। और बात करें इन सुपर सीड की ना, तो हम अपने वीडियो में जानेंगे कि ये क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होल्ड करते हैं, क्योंकि इनके बेनिफिट्स इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू से ही जुड़े हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि इसको खाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इनको खाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, ऐसे ही अलसी के बीज को खाने का भी सही तरीका होता है। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे इनको हमें किस टाइम पर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में, यानी कि इनके न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में। फिर जानेंगे कि फायदा कैसे पहुंचाएंगे इनकी ये खूबियां। सबसे पहले हम बात करें कि ये कितने तरीके के आते हैं। तो बेसिकली ये आपको दो तरीके के मिलते हैं, ब्राउन एंड गोल्डन, और दोनों के दोनों ही इक्वली न्यूट्रिशियस होते हैं। आप ब्राउन ले लीजिए या फिर गोल्डन, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। और बात करें इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट की, तो एक टेबलस्पून यानी कि 10 ग्राम्स ऑफ होल फ्लेक्सीड की बात करें, तो उसमें आपको कैलोरीज मिलती हैं 55। उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है 7%। कार्ब्स में आपको मिलता है 3 ग्राम, जिसमें से फाइबर होता है 2.8 ग्राम। बेसिकली अगर हम कार्ब्स की बात करें, तो अगर आप देखेंगे कि फ्लेक्सीड में अगर 29% कार्ब है, तो उसमें से 95% तो फाइबर ही है, जो अगेन आपको दो तरीके का मिलता है। मुसलेज ग्राम, जो सॉल्युबल फाइबर होता है, वो आपको 20-40% आपको मिलता है, जो आपको हेल्प करता है ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने में। उसके अलावा आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ को भी अच्छा रखता है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है ना, इसके अंदर सेलुलोज और लिग्निन होता है, जो कि 60-80% होता है, जिससे आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है। वो बेसिकली आपको प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन से, कब्जे से। तो इसके अंदर 95% फाइबर होने की वजह से ये एक लो कार्ब फूड बन जाता है। और अगर आप 2 टेबलस्पून यानी कि 20 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड लेते हो, तो उसमें आपको 6 ग्राम फाइबर मिल जाता है, जो कि रफली आपके 15-25% रेफरेंस डेली इनटेक को पूरा करता है फॉर मैन एंड वुमेन। और आप देखोगे कि जब आप इसे पानी के साथ मिक्स करते हो ना, तो इसका टेक्सचर काफ़ी थिक हो जाता है म्यूसिलेज गम की वजह से। और इसके साथ जब मिल बैठते हैं इन सॉल्युबल फाइबर, तो ये एक नेचुरल लैक्सेटिव का भी काम करता है। तो अगर आप इन अलसी के बीजों को अपनी डाइट में ऐड करते हो, तो ये कॉन्स्टिपेशन से तो आपको प्रिवेंट करता ही है, और उसके साथ ही साथ ये आपके डायबिटीज के रिस्क को भी कम करता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो वो आपको मिल जाता है इसके अंदर 1.9 ग्राम, लगभग 18%। और इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है, वो कंपेयर करी जाती है सोयाबीन से। ये एक इनकम्प्लीट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, क्योंकि इसके अंदर लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो कम होता है, जिससे कि आपको पता ही है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है, जिन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, पर वहीं पर ना कुछ हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो आपको फूड के थ्रू ही मिल पाते हैं। तो जिनमें से एक है लाइसिन, जो कि आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन में हेल्प करता है। अगर आपको चोट लग जाए ना, तो कोलेजन को क्रिएट करते हुए चोट को भी ठीक करने में मदद करता है, जो कि फ्लैक्स में जो है कम पाया जाता है। पर वहीं पर आर्जिनिन और ग्लूटामिन, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो इसके अंदर हाई होता है। फैट की अगर हम बात करें, तो 42% फैट होता है इसके अंदर, जिसमें से 73% पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, दैट इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और ये रिचेस्ट सोर्स माना जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि आपके क्रोनिक डिजीजेस को होने का खतरे को कम कर देती है। बट ये अनफॉर्चुनेटली आपको फूड के थ्रू ऑब्टेन ही नहीं होता। अगर आप इन्हें ऑब्टेन करने की कोशिश करते हो फ्लैक्सीड खाकर, यानी कि अगर आप इसे होल फॉर्म में लेते हो, तब भी आपको जो है इसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है वो इसके फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर लॉक होता है। तो अगर आप इसे होल सीड के फॉर्म में लेते हो, तो आप उतना बेनिफिट नहीं ले पाते हो। पर हाँ, इसको लेने का एक तरीका होता है, जिससे आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। अब इसके लेने का तरीका क्या है, वो भी हम ज़रूर जानेंगे अपनी वीडियोज़।
आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थियामिन होता है जो कि विटामिन B1 होता है, जो आपके नर्व फंक्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अंदर आपको कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन E6 और फोलेट भी मिल जाता है, जो आपके बॉडीली फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बाकी के बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फाइटोस्टेरॉल्स, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल का भाई या बहन भी मान सकते हैं। वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाता है और ओबेसिटी, डायबिटीज और कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। इसके अंदर लिग्निंस भी होते हैं जो फाइटोएस्ट्रोजन की तरह फंक्शन करते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन कहें तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन की तरह होते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीजेस को डिक्रीज करते हैं और ब्लड के अंदर जो फैट और ग्लूकोज होता है उसको कम करते हैं, और ये आपको ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में मिल जाते हैं। बट फ्लैक्स के अंदर ये 800 टाइम्स ज़्यादा मिलते हैं, और ये आपके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन, जो आपकी आर्टरीज में सूजन हो जाती है, उसको कम करने में भी मदद करते हैं। और साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, वो फर्मेंट करता है इन लिग्निंस को, जो आपके कैंसर की ग्रोथ को भी कम करने में मदद करते हैं, स्पेशली हॉर्मोन सेंसिटिव टाइप, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस और प्रोस्टेट। तो ये तो हमने बात करी कि इसके अंदर आपको क्या क्या न्यूट्रिशनल कंटेंट मिलते हैं, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल सिंग न्यूट्री फिट में नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी हमारा 3 PDs का एक्सरसाइज सेशन चल रहा है, अगर आप उस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं अपने लिए कस्टमाइज न्यूट्रिशनल मील प्लान लेना या फिर वेट लॉस करना, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी फैट लॉस जर्नी को कम्प्लीट करने में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ढेर सारा प्यार देने के लिए और ये वीडियो सभी तक पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।